राम प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। राम प्रसाद जी, राम राम, कैसे? हाँ जी बताइए सर, बताइए। सर ये मैंने मीडिया में ना, मीडिया ने फंसा दिया, इसने गलत वो दे दिया, चार तारीख को मैं फंस गया। कई लोग फंसे, आप अगर जी मीडिया का अगर आप जीनियला वाला देखते ना तो फिर फंसते नहीं उसमें, बिल्कुल सटीक हमने अनुमान दिया था। पर चलिए कोई नहीं सर, हो गई 4 जून की रिकवरी, आज सर ने बताया ना, हो गई आज 7 जून को बढ़िया से। तो अब मैंने एचएल 5140 रुपए में 150 शेयर। एचएल कितना बताया आपने एंट्री? 5140, 5140। ओके। और एक सर में पीएफसी में फंस गया 560 टॉप पे। ओहो, 560 पे। सर प्लीज, मेरे को बड़ी टेंशन है, उससे कैसे निकला जाए, क्या हो। ठीक है सर, आप चिंता ना करें, संदीप जी से राय लेते हैं। संदीप सर, पीएफसी और एचएल, फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम, जय सियाराम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। आपने सब कुछ बोला मेरी तरफ से और बहुत अच्छा लगता है जब आप नाम से बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं। और एचएल और पीएफसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये सर्टनली इलेक्शंस के पहले, इलेक्शन का जो असली यूफोरिया था वो पीएसयू स्टॉक्स में देखने को मिला था और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। और हमारे चैनल पे और हमारे पैनल ने, अनिल जी ने 1100-1200 रुपए से, मुझे याद है एचएल जब ओएफएस आया था तो अच्छा टूटा था और 1100-1200-1400 रुपए के लेवल से बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। और ये स्टॉक अच्छा खासा पहुंचा क्योंकि ये कंपनी डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और बेहतरीन परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद हमने बीएल भी दिया इसी शो में, मुझे याद है 900-950 पे जीआरएससी दिया जो 1450 हो गया। तो ये सारे स्टॉक्स एक के बाद एक बहुत बढ़िया चले हैं। डिफेंस की थीम ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मोदी जी फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी के साथ नहीं आ रही तो डिफेंस कमजोर पड़ जाएगा, पीएसयू कमजोर पड़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ग्रोथ के लिए काम करना ही है। कोई भी मिनिस्ट्री आए, कैसी भी मिनिस्ट्री आए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एचएल में इनको लॉस नहीं होगा। ये जो फंसना वर्ड बोल रहे हैं, फंसे नहीं है आप थोड़ा निवेशित रहिए। अगर आप ट्रेडर है तो हो सकता है कि आप उस दिन बहुत घबरा के नीचे के लेवल पे कई स्टॉक्स में एग्जिट भी किए होंगे, बट एट द सेम टाइम नीचे के लेवल पे एंट्री करने की हिम्मत भी नहीं होती है। तो 2100 पे सपोर्ट लेके बढ़ा, तो एचएल 400-500 रुपए इनके भाव से नीचे है। और एक चीज और राय दूंगा कि आप बहुत ज्यादा अगर कोई स्टॉक चल जाए और ऊपर के लेवल्स पे भी भले कोई रेकमेंड करे तो भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जरूर से देखें। और अगर आप ऊपर के लेवल पे घुसते हैं जहां पे फ्रॉथी हो जाते हैं वैल्यूएशंस, तो स्टॉप लॉस को लगाना उतना ही जरूरी हो जाता है। कई बार नीचे गिरा हुआ स्टॉक है वहां पे स्टॉप लॉस नहीं भी लगाए तो चल जाए, बट ऊपर के स्टॉक में वैल्यूएशन जब हाई हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस को देखना जरूरी है। और पीएफसी आरईसी दोनों ही खूब चल रहे थे पावर स्टॉक, मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए इनको, ही शुड कंटिन्यू होल्डिंग पीएफसी। चलिए, तो पीएफसी को आपने होल्ड पर रखिए और एचएल को भी ऑफ कोर्स आपने होल्ड पर रखना है। थोड़े आपके जो बाइंग लेवल्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन जैसा सर ने बताया ये क्वालिटी स्टॉक्स वापस आपको उसी लेवल्स पे आते हुए हमेशा दिखते हैं, बस आपको धैर्य रखना है। हमारे साथ